जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। और कल मैंने हिंदी का पहला क्लास बताया था, आज सेकेंड क्लास है। थोड़ा सा हम जब तक छुट्टी है तब तक हम कुछ पढ़ा रहे हैं, और कल एक चैप्टर पढ़ाए थे बुक का, आज एक चैप्टर ग्रामर बताने जा रहे हैं। और पढ़ाने के पहले एक चीज़ में, आज वीडियो लाइव नहीं है क्योंकि आज राखी था, और राखी में थोड़ा सा कहीं कहीं जाना ही पड़ता है हम लोग को, और अभी रात को ही हम लोड कर रहे हैं और इसको रात को ही डाल देंगे। तो बच्चे जुड़ जाएं और जो बता रहे हैं बढ़िया से समझें, ध्यान से पढ़ें। टॉपिक का नाम है संज्ञा, और मैंने कल ग्रामर के बारे में बताया था कौन कौन ग्रामर पढ़ना है आपको। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्लीज़ कल वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, और उसके बाद पहला टॉपिक अलग अलग है। नंबरिंग, नंबरिंग से मतलब नहीं है, जितना पढ़ाएंगे टिक मार करते रहिएगा। तो संज्ञा, इसके बारे में लगभग सब कोई जानता है लेकिन पुनः फिर बता रहे हैं। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जिसे केवल हम फर्स्ट ईयर में पूछता है, सेकेंड ईयर में पूछता है, मैट्रिक में पूछता है, इंटर के बाद किसी भी जिसमें हिंदी पूछता हो कंपटीशन में उसमें भी पूछता है। मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए जरूरी है। सबसे पहले आप आइए संज्ञा क्या है। संज्ञा जो अगर इंग्लिश ग्रामर में आइएगा तो इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में कुछ अंतर पड़ जाता है, तो इसलिए संज्ञा क्या है वह शब्द। सबसे पहले संज्ञा बना कैसे, बच्चे गौर करेंगे, ध्यान देंगे बच्चे, संज्ञा बना कैसे। तो संज्ञा बना है दो शब्द से, समजोर ज्ञा, समजोर ज्ञा, बच्चे गौर करना, समजोर ज्ञा। तो सम का मतलब समान और ज्ञा मतलब जानना, समान जानकारी को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब ये बेसिक टॉपिक है, बेसिक का मतलब होता है स्तरीय टॉपिक्स है। और समजोर ज्ञा, सम का मतलब समान और ज्ञा मतलब जानकारी, समान जानकारी को हम संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा, व्हाट इज संज्ञा, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लिश बेसिकली हम इंग्लिश के टीचर हैं लेकिन हिंदी पढ़ाना पड़ रहा है, और शायद पहला बार मेरा हिंदी क्लास है यह लाइव में। इस तरह ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं लेकिन लाइव में मेरा पहला क्लास है, इसलिए कुछ भी अगर त्रुटि होती है तो उसके लिए माफी करेंगे। संज्ञा क्या है, वह शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करता है। एक बार और सुनिए, वह शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो किसी वस्तु, जानते भी होंगे आप, वह शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु में बहुत सारा आ जाएगा, आम आ गया, टेबल कुर्सी आ गया, व्यक्ति में आपका राम श्याम हरि मोहन करीम आ गया, और स्थान में आ गया पटना दिल्ली मोतिहारी बोकारो, जहाँ भी बोल सकते हैं आप। तो वह शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम का बोध करता है उसको संज्ञा कहते हैं। बच्चे गौर से सुनिएगा, अब इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में बहुत सारा अंतर है। संज्ञा को मैंने यहाँ लिख लिया है बच्चे। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और प्रयोग के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं, क्योंकि जातिवाचक जो है इसके दो भाग बढ़ जाते हैं, हमने यहाँ बना भी दिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और इसमें जातिवाचक का दो भाग है, जातिवाचक का दो भाग है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक बार और सुनिए, संज्ञा को तीन भाग में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक का दो भाव है द्रव्यवाचक और समूहवाचक होता है, बच्चे गौर करना। संज्ञा का इतिहास हम जो बताने जा रहे हैं बच्चे गौर समझिएगा, संज्ञा का इतिहास, सबसे पहले संज्ञा को पाणिनि ने लिखा था। सबसे पहले दुनिया में संज्ञा को पाणिनि ने संस्कृत भाषा में लिखा था, और जो दुनिया के सर्वप्रथम व्याकरण के जनक थे पाणिनि, और उन्हीं का लिखा हुआ, हाथ अपने हाथ से लिखा हुआ यह चैप्टर है, पन्ना है। और कब लिखे थे, चौथी शताब्दी में, फोर्थ बीसी में लिखे थे।
तो संज्ञा के जनक लिखने वाले कौन थे? पाणिनि थे, भारत के थे, एक बहुत महान संत थे, एक बहुत महान संत थे, और उनका किताब का नाम था पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण। चले अब है संज्ञा का पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चे गौर कीजिएगा, ये जानते भी होंगे इसलिए हम पहला टॉपिक किसी को रखे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द या जो संज्ञा किसी विशेष और निश्चित व्यक्ति या स्थानीय वस्तु का बोध करावे उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसको समझ लीजिए बढ़िया से आप लोग। वह संज्ञा, बच्चे फिर सुन लेना, वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की विशेषता को बतलाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की विशेषता को बतलाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल समझ लो, कलम है, मेरे पास एक कलम है, यह केवल नाउन है मतलब संज्ञा है, लेकिन मेरे पास एक खूबसूरत कलम है तो इस संज्ञा के पहले लग गया खूबसूरत, तो अगर संज्ञा में कोई विशेषता लगता है तब उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। पटना एक शहर है, इसमें कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन पटना एक खूबसूरत शहर है, पटना एक बड़ा शहर है, तब यह जो पटना है यह मेरा हो गया व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक के लिए मैंने यहाँ लिखा भी है मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या हो गया, अच्छा है, अच्छा, तब यह मोहन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। पटना एक खूबसूरत शहर है तो पटना के साथ खूबसूरत जुड़ा हुआ है तो इसमें पटना कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। हमने यहाँ लिख भी दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान के लिए संज्ञा के साथ उसमें कोई विशेषता भी होनी चाहिए। एक बार और सुनिएगा, व्यक्तिवाचक की पहचान के लिए संज्ञा के साथ उसमें कोई विशेषता भी होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई विशेषता होना चाहिए। अगर विशेषता है तो वह कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। कौन सी है जी, व्यक्तिवाचक है। अब आइए जातिवाचक क्या, जानते होंगे वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की जाति का बोध करता है उसको जातिवाचक बोलते हैं। वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की जाति का बोध करता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे गौर करना, वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की जाति का बोध करता है हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, और दिल से दयालु होती है इसमें जाति कौन हो गया, औरत जाति हो गया। तो जो जाति का बोध करता है उसको जातिवाचक कहते हैं। बच्चे गौर कीजिएगा। अब है भाववाचक संज्ञा, एवेस्टिक नाम इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। भाववाचक क्या है, बच्चे गौर कीजिएगा, भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भाव दशा या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक कहते हैं। इसका मतलब है भाववाचक वह संज्ञा है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, महसूस अनुभव करते हैं, जो दिखाई नहीं दे केवल उसको महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो इस खटास मिठास ये सब क्या है, भाववाचक है। जैसे रोहन एक बहादुर लड़का है, इसमें बहादुर दिखाई नहीं देता है तो ये कौन नाउन हो गया, कौन संज्ञा हो गया, भाववाचक हो गया। मानसिंह एक कायर योद्धा था, नाम सुनोगे मानसिंह, राजपूत जाति को बदनाम मानसिंह ने किया था, राजपूत जाति को बदनाम किसने किया था, मानसिंह ने किया था। तो मानसिंह एक कायर योद्धा था, तो आप बच्चे गौर करते हैं आज तो कायर दिखाई नहीं देता है महसूस करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कौन, भाववाचक बोलते हैं। आज राजपूत के इतिहास स्वर्णिम काल में जोड़ा गया है, लेकिन कुछ लोग के चलते दाग लग गया और चले। अब है इस, बच्चे गौर कीजिएगा, हो इस भाववाचक में बहुत सारे आते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बच्चे गौर कर लेंगे तो जातिवाचक में दो आते हैं द्रव्य और समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या है बच्चे गौर कीजिएगा, हमने अलग अलग बांट दिया है। द्रव्यवाचक क्या है, जिसको केवल नापते और तौलते हैं गिनते नहीं है, वह संज्ञा जिसको केवल नापते और तौलते हैं गिनते नहीं है उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। वह संज्ञा सब जो ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिससे वस्तु बनती है उनको माप तो किया जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। उसको गिनते नहीं है, केवल नापते और तौलते हैं गिनते हैं नहीं है उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। सोना चांदी पीतल मिट्टी लकड़ी दूध इटीसी।
अब बच्चे आइए समूह वाचक क्या है। समूह वह समूह का मतलब इकट्ठा जो आपस में एक से अधिक रहने का बोध करता है और वह संज्ञा सब जो कि समूह या समुदाय का बोध कराता है, जो पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है उसको समूह वाचक कहते हैं। समूह या समुदाय का बोध करता है उसको समूह वाचक कहते हैं। जैसे बहुत सारा हो सकता है, आप लोग देखिएगा परिवार, कक्षा, परिवार में एक आदमी नहीं रहता है, एक से अधिक लोग होते हैं, कक्षा, कक्षा में भी एक बच्चे नहीं रहते हैं, सेना, सेना में भी एक आदमी नहीं रहता, एक से अधिक लोग रहते हैं, तो एक से अधिक लोग को हम बोलते हैं समूह वाचक, दल, जनता, भीड़ आदि सब क्या है, समूह वाचक। तो बच्चे इस चीज को तुम लोग जाना भी होगा, पहले से भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिकली बता दिए हैं क्योंकि पहला टॉपिक है और ये हल्का भी टॉपिक है। अब बहुत इस पर क्वेश्चन बनता है, मुख्य रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं, अब आपको बताना है बच्चे, टाइम कम में हम चाहते हैं कि बच्चों को कम टाइम में उस चीज को बारे में समझा दें। तो मुख्य रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं आप लोग को बताना है, इसमें कितने होते हैं, और आपको अपने कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे कॉपी निकाल लीजिए और इसको बनाइए, बनाइए इसको कितने होते हैं आपको बनाना है, कॉपी निकाल लें बच्चे, कॉपी निकाल लीजिए और इसको बनाइए, देखते हैं कितना संज्ञा के बारे में जानते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने दिया है और आपको देखना चाहते हैं कम से कम 20 सही कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन समझ गए, चले हम आंसर नहीं बोलेंगे, एक बार आंसर बताएंगे। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन संज्ञा है, बुढ़ापा में इंसान बच्चा बन जाता है इस वाक्य में बुढ़ापा कैसा है, तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा बच्चे गौर कर लो। चलो आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है, चलो बनाइए ट्राई कीजिए। आपको तीसरा क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, पहनावा, पहनावा थोड़ा सा बनाइए आप लोग बच्चे। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, आप लोग को समय भी दे रहे हैं, आंसर तो हम दे नहीं रहे हैं, आंसर एक बार बताएंगे आपको, अब प्लीज बनाइए, ट्राई कीजिए कितना आप सही कर सकते हैं। संज्ञा के बारे में कितने जानते हैं, बचपन से लोग पढ़े होंगे, हम इसलिए इसको ज़्यादा मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं किए हैं, सिंपल हमने बना दिया है, बच्चे भी जानते हैं इसके बारे में, और अब बनाइए इसको पहले कौन है इसमें। प्रश्न 5, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, इस वाक्य में छीमी कौन सी संज्ञा है, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, इस वाक्य में छीमी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। बच्चे प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा तो नहीं बनाइएगा तो। चलिए सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है, हल्का है, एकदम हल्का है। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। सभा एक से अधिक, हिंट्स दे दिए समझ नहीं जाते। चलिए हो गया ए बी सी डी, 6 का ए बी सी डी को कौन मारना है आप मान लीजिए। गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, इस वाक्य में कृष्ण कौन सी संज्ञा है, गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, कृष्ण कौन सी है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। चलिए हिंट्स दे देते हैं आपको, इसमें 2 जातिवाचक के व्यक्तिवाचक में बनाइए आपको, जातिवाचक के व्यक्तिवाचक में मारिए आपको। 7 जाति या व्यक्ति आपको सोचना है। चलिए कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है, फिर सोचिए आप, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो हम उम्मीद करेंगे ए और बी में आप लोग को मारना है, ए और बी में सोचिए, हो गया सोच लिया आप लोग। चलिए टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, बच्चे ध्यान दें आप लोग को ए बी पर ज्यादा ध्यान देना है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक।
टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, क्वेश्चन में दम है और इस कुछ भी दम नहीं है। टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? बच्चे गौर कर लो, जाति वाचक और ए बी और ए और बी, बी में मरिया को ए बी में। चलिए, रामचरित मानस हिंदुओं की बाइबिल है, इस वाक्य में बाइबिल कौन सी संज्ञा है? दिमाग लगाइए आप लोग, रामचरित मानस हिंदुओं की बाइबिल है, बाइबिल कौन सी संज्ञा है? जाति वाचक है, व्यक्ति वाचक है, भाव वाचक है, समूह वाचक है? दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, कंफ्यूज नहीं करें, ए बी ध्यान दें, ए और बी में ध्यान दें, ए और बी में ध्यान दें। दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई, इस वाक्य में सेनाएं कौन सी संज्ञा है? चलिए, सेनाएं कौन सी संज्ञा है बच्चे? तो सी डी में मारिए, सी डी में मारिए, सी और डी में मारिए, सी और डी में मारिए। राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता कौन सी संज्ञा है? राम और श्याम में मित्रता है, इसमें मित्रता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? मित्रता। तो आपको मैं फिर हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग बी और सी में ध्यान दें, बी और सी में ध्यान दें। चलिए नहीं बोलते हैं आप लोग, नहीं, मित्रता कौन संज्ञा है? धूप बहुत कड़ी है, इस बात में धूप कौन सी संज्ञा है? धूप बहुत कड़ी है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक? धूप, धूप। क्वेश्चन में दम है, पसीना निकलेगा। चांदी बहुत महंगी है, थोड़ा सा ही लिखने में भी थोड़ा सा हुआ होगा। चांदी बहुत महंगी है, इस वाक्य में चांदी कौन सी संज्ञा है? चांदी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है? चलिए ये भी मारिए, थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते हैं। सोना बहुत चमकीला है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? हल्का हल्का, हल्का हल्का है वो, एकदम हल्का हल्का है। केजरीवाल को सफलता मिली, इस वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? हाँ, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक है? हम बहुत कम टाइम में आपको उस चीज के बारे में बता देंगे। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक है, व्यक्ति है, समूहवाचक है? बच्चे सफलता, सफलता। चलिए, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है बताइए, बताइए बच्चे। राष्ट्र का भाववाचक राष्ट्रीय है, राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, कोई भी नहीं है, बताइए भाववाचक क्या है? राष्ट्रीय है, कि राष्ट्रीयता है, आपको बताना है। राष्ट्र का भाववाचक राष्ट्रीय है कि राष्ट्रीयता है, ये दोनों में बताना है। ए और सी में आप लोगों को मरना है, ए और सी में, ए और सी में, ए और सी में। हिंदी है और इसके बारे में जानते हैं, इसलिए तेज बढ़ रहे हैं, ये नहीं समझिएगा कि हम बहुत तेज बढ़ रहे हैं। चलिए, ए और सी में मार दिए। चलिए, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, इसमें कौन भाववाचक है? मेरी व्याकुलता पर दया करो, मेरी है कि व्याकुलता है कि दया है कि पर? मेरी है कि व्याकुलता है, दया है कि पर? मेरी व्याकुलता पर दया करो, आपको बताना है इसमें कौन भाववाचक है। चलिए दिमाग लगाइए, शराब संज्ञा है, कैसी है बच्चे? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है? शराब कैसी है, द्रव्यवाचक है कि क्या है? अब आपको बहुत समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि हिंदी है इसमें और हल्का भी है। चलिए, द्रव्यवाचक है क्या है? मेरी निर्धारता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुनिए, इसमें भाववाचक बताना है, तो आपको बताना है कि दो ही चीज सुनिए ना, बी और सी, निर्धनता और दया, निर्धनता और दया में आपको भाववाचक पता है, निर्धनता और दया दोनों में आपको चुनना है भाववाचक। चलिए, घी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक? घी, घी को नापते चलते हैं कि गिनते हैं? चलिए, हम समझ गए होंगे। चलिए, निम्न शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनकर लिखे, कृष्ण, जीवन, कमल, नदी, इसमें बताना है आपको व्यक्तिवाचक, कृष्ण, जीवन, कमल और नदी, आप समझ गए होंगे इसमें कौन होना चाहिए व्यक्तिवाचक, कौन है विशेषता, कौन है इसमें विशेष नाम, कौन है विशेष नाम, कौन है बच्चे? 23, तो नंबरिंग इधर हुआ होगा।
राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? राजा दशरथ कौन सी संज्ञा? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है? राजा दशरथ नंबरिंग इधर उधर हुआ हुआ। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। कृष्ण जीवन दो बार हो गया प्लीज सॉरी इसके लिए। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। गाय, मोहन, लोहा, दूध। इसमें जातिवाचक चुनना है, जातिवाचक चुनना है गाय, मोहन, लोहा, दूध। आपको समझ लेना जाति कौन है इसमें, जाति कौन है बच्चे, आप समझ लीजिए इसमें। ए और बी बीमारी, तो ए और बी बीमारी, ए और बी बीमारी। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है? सफल का क्या होता है, असफलता होता है कि सफलता की सफलता होता है, बता दें इसमें। बी और सी में मानिए, बी और सी में मन लगाइए, बी और सी में। और जो बना लिए होंगे हमने यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। और यही इसका आंसर है, वन का बी, दो का सी, तीन का सी, चार का सी, पांच का सी, छ का डी, सात का ए, आठ का ए, नौ का ए, दस का ए, ग्यारह का ए, बारह का सी, तेरह का सी, चौदह का बी, पंद्रह का बी, सोलह का बी, सत्रह का ए, अठारह का बी, उन्नीस का डी, बीस का बी, इक्कीस का डी, बाईस का सी, तेईस का ए, चौबीस का ए, पच्चीस का सी। सामने आपके हल्का टॉपिक था इसलिए हम पहले इसको शुरुआत किए हैं, और शायद इसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि बच्चे जानते भी हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कल वाला हम पीडीएफ नहीं भेजे थे, जानबूझ के नहीं भेजा है, कल हम भेजेंगे। और एक चीज़ हम और बोलना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं, वे तंग करना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उसको तंग करना चाहते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा नहीं करो। जो ईमानदार मास्टर हो, कहीं बेईमानी नहीं किया हो, वैसे लोग को आप प्लीज़ तंग नहीं करें। और तंग करेंगे तो हम तो इस तरह भी कल परसों से हम इसको हाइड करने वाले हैं, तो अपने जो भी हैं आप प्लीज़ ऐसा काम नहीं करें। हर आदमी हर तरह होता है, कुछ लोग इसको दिल पर ले लेता है। प्लीज़ आप हर आदमी को, ठीक है आपको कोई बाहर आया हो, कोई आपको चढ़ा दिया हो कि चलो भाई, ऐसा नहीं प्लीज़ करो। हर आदमी आप भी कहीं कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, किसी न किसी जुड़े होंगे, और शायद आप जानते होंगे, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि हमने आज तक किसी को कुछ भी धोखा नहीं दिया, ईमानदारी से काम किए हैं। अगर धोखा देना चाहते हैं तो कहते कुछ और, करते कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्लीज़ हम इसलिए बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो प्लीज़ जब ऐसे बात को हम ध्यान भी नहीं देते हैं, ध्यान देना भी नहीं चाहिए किसी को भी, आप पढ़ें। और मैं कल के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ, दो तीन दिन मैंने बता दिया है, क्रैश कोर्स का जो बैच है 12 बजे चलेगा, 12:15 चलेगा, और कल के बाद उस बैच को मैं हाइड कर दूंगा, मतलब कि उसको बच्चे बाहरी नहीं देख सकते हैं। जो बच्चे पैसे दिए होंगे वह उसको पढ़ेंगे, नहीं देंगे क्रैश कोर्स तो पॉसिबल नहीं हो सकता। और मैंने आपको दो तीन चार दिन का टाइम दे भी दिया था, आपको मन करता है तो ऑनलाइन में जुड़े, नहीं मन करता कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऑफलाइन में सफिशेंट बच्चे हैं और हमको मुख्य सम्मानी बनना नहीं है, बस हम इतना ही चाहते हैं जो मेरे पास बच्चे हैं उसको हम संतुष्ट कर करके और उसको अच्छा एग्जाम बीते, और शायद 22 साल में बीता भी। हाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब क्लास नहीं की जाए, कहेगा टैबलेट खिला दीजिए, तो टैबलेट नहीं है, अगर टैबलेट खिलाना होगा पहले अपने बाल बच्चा को खिला के, हर मास्टर अपना पहले बाल बच्चा को खिला के IAS बना देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे प्रयास करते हैं उसको फायदा होता है, अब जो टाइम पास करेंगे उसको तो कभी फायदा होने वाला नहीं है, कोई दुनिया का कोई भी आदमी। अगर कोई कहता है कि हम ये कर देंगे तो पहले पूछे तो बाल बच्चा को कितना नंबर आया भाई, अगर कोई कहता है कि आपको इतना नंबर मंगा देंगे, इतना चीज करवा देंगे, ये कर देंगे, पूछिए खानदान में तुम कितने कौन से किए हो, तुमने खानदान में क्या किया है, अपने परिवार में बाल बच्चों आस पड़ोस में तुमने कितना दिवाया। तो ऐसे कुछ हमने हम नहीं करते हैं दावा, हम आज तक दावा किए भी नहीं है,
हम इतना ही बोलते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं और बच्चों को इतना जरूर पढ़ा देंगे कि उसको कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटता, पहला बात। दूसरा बात कि उसके बाद भी उसको फायदा होता है, इसका प्रमाण मेरे पास है कि हमने आज तक कोई माई का लाल नहीं है जो बोल सकता हो संजीव सिंह ने कभी किसी पोस्टर को बांटा है। मैंने आज तक कभी पोस्टर नहीं बांटा है, एक रुपया का पोस्टर नहीं बांटा है, और बिना बांटे हुए मेरे पास भीड़ रहता है। तो ये भी कुछ ना कहीं कुछ खूबी होगा, ऐसा नहीं है कोई मैंने किसी को तेल लगाया है और मैंने किसी को दलाली दिया है। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, अच्छा सब कुछ आएगा, नंबर आएगा, मानिए तो पत्थर नहीं तो भगवान, बस समझ सकते हैं। चलिए, जय बिहार, जय विद्यार्थी।